हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं, और इसलिए हाजिर हुआ हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम सेंटर परीक्षा जो होने वाला है 2021 में, जो आप मैट्रिक और इंटर के परीक्षा देंगे, तो उनका पहले सेंटर परीक्षा लिया जाता है। तो उनका हर साल की तरह इस साल भी बोर्ड जो है सेंटर परीक्षा आपका लेगा, बल्कि बोर्ड छोड़ेगा नहीं। यहाँ तक के स्टूडेंट तो तबाह और परेशान हो चुके हैं, वो इसी कश्मकश में है करेंगे क्या। लेकिन बिहार बोर्ड ने फैसला लिया था कि कुछ क्वेश्चन कम करेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई खबर आई नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपका कब से और कैसे कैसे होने वाला है। तो चलिए सिंपली देखते हैं। आप तो स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, मैट्रिक और इंटर की सेंटर परीक्षा कल से होगी, यानी कल 11 तारीख से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो जाएगी। अब आगे देखिए क्या है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक व इंटर की सेंटर परीक्षा 11 से 17 नवंबर तक होम सेंटर पर होगी, यानी कल 11 तारीख से आपकी सेंटर परीक्षा हो जाएगी, चाहे मैट्रिक का हो और इंटर का हो, और 17 तारीख तक होगी। जो भी आपके कॉलेज और स्कूल में एडमिशन है उसी में आपका लिया जाएगा। उनके बाद देखिए, दोनों कक्षा की परीक्षा में 69,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे, विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा विभाग के अनुसार पूर्व में इंटर सेंटर परीक्षा में साइंस संकाय में भौतिक और गणित विषय की परीक्षा ली जा चुकी है, यानी इससे पहले ये इलेक्शन जो था इनके वजह से आपका परीक्षा रुक गया था, एग्ज़ाम रुक गया था सेंटर। तो इसमें आपका दो विषय या तीन विषय का परीक्षा ले चुका है, तो वो परीक्षा इसमें शामिल नहीं होगा, यानी वो परीक्षा समझिए आपका हो गया। उनके बाद जो सब्जेक्ट का आगे बचा हुआ उनका परीक्षा लिया जाएगा। उनके बाद देखिए क्या कह रहा है कि ली जा चुकी है यह परीक्षा मान्य होगी, शेष विषयों की परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मैट्रिक सेंटर परीक्षा में विज्ञान व गणित विषय की जगह संगीत है, वही वह 19 नवम्बर की प्रायोगिक परीक्षा होगी, यानी 19 नवंबर को प्रायोगिक परीक्षा होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी जगपति चौधरी ने बताया कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 में शामिल होने वाले नियमित व स्वतंत्र कोटि के छात्र छात्राओं के सेंटर सैद्धांतिक व प्रायोगिक परीक्षा 11 नवंबर से 17 नवंबर तथा 18 व 19 को होगी। उनके बाद देखिए, मैट्रिक व इंटरमीडिएट की सेंटर परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी, यानी मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा होगी वो दो पाली में ली जाएगी। उनके बाद देखिए, मैट्रिक की पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक होगी। वहीं इंटरमीडिएट सेंटर परीक्षा की पाली सुबह, यानी कि फर्स्ट सुबह की जो पहली पाली होगी वो कै बजे से होगी, तो देखिए पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तथा दूसरी पाली दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। बोर्ड ने कोरोना को देखते हुए सेंटर परीक्षा के लिए आवश्यक गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है। उनमें देखिए क्या सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया कि बोर्ड ने मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा सेंटर में सहभागिता अनिवार्य कर दी गई। जो परीक्षार्थी सेंटर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो भी छात्र छात्राएं अगर सेंटर परीक्षा नहीं देंगे तो उनका जो मेन परीक्षा होने वाला है और होगा जनवरी और फरवरी में, तो उनको उनमें बैठने नहीं दिया जाएगा। सेंटर परीक्षा का रिजल्ट प्रधानाध्यापक को बोर्ड को उपलब्ध कराना होगा। DEO ने बताया कि जिला में COVID-19 के संक्रमण के बचाव के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। संक्रमण से बचाव के लिए डिस्टेंसिंग का पालन कठोरता पूर्वक करना होगा। इस कार्य के लिए सभी प्रतिनिधि पर्याप्त आपसी दूरी का अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर रहेंगे। लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
आप सभी का कल से एग्ज़ाम होने वाला है। मेहनत से तैयारी कीजिए और मेहनत से एग्ज़ाम दीजिए, आप सभी का भला होगा। और आप सभी मेहनत करेंगे, आप सभी फल पाएंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो उनको कैसे फल मिल सकता है। तो चलिए, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था आज के लिए। तो हमारे इस चैनल को, इस्लामिक रीजनिंग को, ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आज तब तक के लिए।